हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरफ बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेकर आ गई हूँ। आज के सेशन में भी 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। चैप्टर वाइज थ्योरी सेशन डिटेल में पढ़ाया गया है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया गया है, वन लाइनर क्वेश्चंस बताए गए हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया गया है एंड 100 से ज़्यादा वीडियोज बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज आपको प्रैक्टिस कराया गया है, कठिन से कठिन लेवल का। एंड डेली बेसिस से मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, फ्री में। इतना कॉन्टेंट कोई भी अवेलेबल नहीं करा रहा है पूरे यूट्यूब पर। एंड दोस्तों, आपका एमपी टेट का एग्जाम हो गया है, मेन एग्जाम जल्द से जल्द होगा, मध्य प्रदेश खेल शिक्षक का वर्ग 2 या वर्ग 3 का। और जो भी एमपी टेट क्वालिफाई नहीं किया है, वो निराश ना होकर के पूरे जोश के साथ पुनः नए एग्जाम नए कंपटीशन के तैयारी में लग जाएं, जैसे कि यूपीटीजीटी, यूपीएलटी ग्रेड, अदर जैसे कि ईएमआरएस, इन सभी का प्रिपरेशन करें। और जैसे कि आप प्रिपरेशन करते रहेंगे तो कोई ना कोई एग्जाम अवश्य क्वालिफाई होगा। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप भी अपना स्कोर चेक कीजिए। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि महिलाओं की बैडमिंटन वर्ल्ड कप ट्रॉफी का क्या नाम है। तो महिलाओं की बैडमिंटन वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम है उबेर कप। क्या है? उबेर कप। उबेर कप बैडमिंटन महिला से संबंधित है, जो 1957 से खेला जा रहा है। एंड बैडमिंटन पुरुष से संबंधित है थॉमस कप, जो 1948 से शुरुआत हुआ। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, सोते समय कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सोते समय दोस्तों प्रोटीन जो है ऊर्जा उत्पादन ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए रात को प्रोटीन लेके सोना चाहिए। नेक्स्ट है, आइसोकाइनेटिक मेथड की खोज किसने विकसित किया था, किसने खोज किया था। तो आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ डेवलप करता है, तो स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए 3 विधियां हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। तो आइसोकाइनेटिक की खोज किया था जेम्स पेराइन ने, जेम्स ओवन पेराइन ने इसकी खोज किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिएक्टिव मेथड को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, रिएक्टिव मेथड को जाना जाता है प्लायोमेट्रिक मेथड, इसको प्लायोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं रिएक्टिव मेथड को। और प्लायोमेट्रिक मेथड जो है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को मेजर करता है, जिसमें शक्ति और गति दोनों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, रिएक्टिव मेथड यानी कि प्लायोमेट्रिक मेथड का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो प्लायोमेट्रिक मेथड का खोज सबसे पहले बर्खोंस्की ने किया था। किसने किया था? यूरी बर्खोंस्की ने प्लायोमेट्रिक मेथड यानी कि रिएक्टिव मेथड की खोज सबसे पहले किया था। प्लायोमेट्रिक मेथड में क्या होता है कि इसमें विस्फोटक शक्ति का प्रमुख भाग होता है। इसमें हर्डल जंप, वन लेग जंप, बॉस लेग जंप, टंग जंप, बंडी जंप, बॉक्स जंप आदि आते हैं। इस विधि में पेशियां प्रतिरोध के विरुद्ध संकुचित होने से पहले अधिक फैलती हैं। इसके विकास के लिए विभिन्न प्रकार के ऊंचाई के बेंच रखे जाते हैं और उस बॉक्स को एक सीधी रेखा में रखकर खिलाड़ी बॉक्स के ऊपर से जमीन पर जंप करता है, जिसे पेशी संकुचित होने से पहले प्रकुचित होती हैं। कम से कम बॉक्स की जो ऊंचाई होगी 40 से 120 सेंटीमीटर तक होगी। और जंप लेते समय जंप पंजों पर लिया जाएगा, न कि एड़ी पर। और जंप की संख्या कम से कम प्रशिक्षण के दौरान 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रदर्शन को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए विभिन्न विधियों से प्रशिक्षण प्रदान करना क्या कहलाता है। तो प्रदर्शन को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए विभिन्न विधियों से प्रशिक्षण प्रदान करना कहलाता है क्रॉस ट्रेनिंग। क्या कहलाता है? क्रॉस ट्रेनिंग। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने 1977 में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंतर्गत कॉन्ट्रास्ट विधि का प्रयोग किया था। तो वो है बुचेवानो।
नेक्स्ट है दोस्तों, ऑरी मॉर्गन तथा जीटी एंडरसन ने स्ट्रेंथ को विकसित करने की किस विधि को तैयार किया था दोस्तों? तो इन्होंने तैयार किया था सर्किट ट्रेनिंग को। 1957 में सर्किट ट्रेनिंग की खोज किया था एडमसन एंड मॉर्गन ने। और सर्किट ट्रेनिंग जो है स्ट्रेंथ एंडोरेंस यानी शक्ति सहनशीलता को विकसित करता है। और यह प्रशिक्षण जो है एक गोलाकार सर्किल में किया जाता है जिसमें 10 से 12 स्टेशन यानी ठहराव होते हैं। प्रत्येक ठहराव स्टेशन पर खिलाड़ी अलग अलग एक्टिविटी करता है और इस प्रशिक्षण को पूर्ण करते हैं। इस प्रशिक्षण में 2 पुनरावृत्तियों के बीच 20 सेकेंड का अंतराल होता है। नेक्स्ट दोस्तों, एशियन खेलों का जो मोटो है इवन ऑनवर्ड, याद रखिएगा, क्योंकि UPTGT 2021 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एशियन खेलों का मोटो क्या है, तो इसमें इवन ऑनवर्ड एंड इवन फॉरवर्ड दोनों दिया था, बट वहाँ पे आयोग ने सही माना था इवन ऑनवर्ड यानी हमेशा आगे की ओर। तो ये इवन ऑनवर्ड ये जो मोटो है एशियन खेलों का किसने दिया था? तो डॉक्टर GD सोंधी ने दिया था। और GD सोंधी को एशियन खेलों का पितामह कहा जाता है, यानी एशियन खेल को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है GD सोंधी को, जिस प्रकार ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरू करने का श्रेय पियरे बेरेंडी कुबार्टिन को जाता है, उसी प्रकार एशियन खेलों के पितामह हैं GD सोंधी। नेक्स्ट, चपलता यानी एजिलिटी निम्न में से किससे नापी जाती है? तो 4 ऑप्शन में से किससे चपलता यानी कि एजिलिटी मापा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, बर्फी टेस्ट और स्क्वाट थ्रस्ट। ठीक है, इसमें से आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग को मापता है, बॉस स्टिक टेस्ट आपका बैलेंस को मापता है, 30 मीटर स्प्रिंट टेस्ट आपका किसको मापता है? स्पीड को मेजर करता है। नेक्स्ट दोस्तों, मल्टी एक्स या एक्जियल ज्वाइंट यानी कि मल्टी एक्सियल मतलब विभिन्न कोण पर झुकाव आपका होता है, कई अच्छों पर गति किसमें होता है? तो वो होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ये मल्टी एक्सियल ज्वाइंट है, कई अक्ष पर गति करता है, तो उसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो सभी दिशाओं में अपना गति करता है। इसमें से दोस्तों कॉन्डिलाइट ज्वाइंट जो होता है 2 अक्ष में गति करता है, जिसमें आपका रिस्ट ज्वाइंट यानी कलाई की ज्वाइंट आता है, एंड यहाँ पे हिंज ज्वाइंट जो है आपका 1 अक्ष में गति करता है, जैसे दरवाज़ा एक तरफ खुलता है उस तरह हिंज ज्वाइंट भी एक तरफ ही होता है, जैसे कि हमारा कोहनी का ज्वाइंट, घुटने का ज्वाइंट, उंगलियों का ज्वाइंट। नेक्स्ट, अगर परीक्षण 10 लोगों द्वारा लिया जा रहा हो और सभी का परिणाम एक जैसा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों किसी भी परीक्षण के लिए बेस्ट क्राइटेरिया होना चाहिए, रिलेबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। तो टेस्ट एंड मेजरमेंट में इन सभी के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो रिले यहाँ पे 10 कोई भी आप टेस्ट ले रहे हैं उस टेस्ट का परीक्षण 10 एक्सपर्ट को उसके जानकार लोगों को बुलाया जा रहा है और 10 को उसका परीक्षण करने के लिए कहा जा रहा है और 10 ने सेम आंसर दिया, परिणाम सेम बताया, तो कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्टिविटी है यानी कि उसकी वस्तुनिष्ठता सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पोषक तत्वों से संबंधित राष्ट्रीय संस्थान निन कहाँ स्थित है? तो निन यह है हैदराबाद में स्थित। दोस्तों निन का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है, एशिया की धरती पर पहला कौन सा ओलंपिक आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ओलंपिक आयोजित किया गया था 1964 टोक्यो जापान, एशिया महाद्वीप में पहला बार 1964 टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। उसके बाद आपका 2008 बीजिंग चीन में, उसके बाद 2020 फिर टोक्यो जापान में हुआ। नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक में पहला पदक कब जीता था दोस्तों? तो इससे जो ऑप्शन दिया है इसके अकॉर्डिंग भारत ने ओलंपिक में पहला पदक जीता था, कब जीता था पहला पदक भारत ने ओलंपिक में? तो 1900 में। ठीक है, 1923 फ्रांस में भारत ने ओलंपिक में पहला पदक जीता था और उसमें भी नॉर्मन फ्रिचार्ड जो है कौन जीते थे? नॉर्मन फ्रिचार्ड जो है एक एंग्लो इंडियन नागरिक थे जो 200 मीटर दौड़ एंड 200 मीटर बाधा दौड़ में द्वितीय स्थान प्राप्त किए थे।
उसके बाद आपका भारत आधिकारिक तौर पर 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में भाग लिया, जिसमें हॉकी में उन्होंने भारत ने स्वर्ण पदक जीता। अब भारत अभी तक हॉकी में 8 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक जीत चुका है, यानी कि कुल 12 पदक जीता है हॉकी में भारत ने। और भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट, स्कल ज्वाइंट में एकमात्र ऐसी कौन सी संधि है जो गति करती है? तो दोस्तों, हमारा खोपड़ी जो है वो अचल संधि में आता है, जिसमें कोई गति नहीं होती है। बट एक ही ज्वाइंट ऐसा है, संधि ऐसा है जिसमें गति होती है, जो हमारा निचला जबड़ा होता है, जिसे हम मैंडिबुलर ज्वाइंट कहते हैं। मैंडिबुलर ज्वाइंट कहते हैं, निचला जबड़ा जो है ऐसा है जो हमारे स्कल ज्वाइंट में एकमात्र है जो गति करता है। नेक्स्ट है, इंसेफेलॉन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इंसेफेलॉन मस्तिष्क यानी ब्रेन को बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, एथोप्रोटीन नामक रसायन जो डोपिंग के अंतर्गत आता है, किस प्रकार के खिलाड़ी प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों, एथोप्रोटीन क्या करता है, आरबीसी की संख्या को बढ़ा देता है, जिससे उसमें हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे इंड्योरेंस डेवलप होता है, खिलाड़ी लंबे समय तक थकता नहीं है। तो यह इंड्योरेंस स्पोर्ट यानी कि इंड्योरेंस वाले खिलाड़ी ज़्यादा इसका यूज करते हैं, तो इंड्योरेंस स्पोर्ट खिलाड़ी इसको प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, बैट्समैन द्वारा छक्का यानी 6 रन मारने पर कौन से लीवर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, लीवर इसमें बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो बीच में फोर्स किस लीवर में होता है, यानी कि बीच में फोर्स रहेगा एंड एक्सिस एंड रेसिस्टेंस के बीच फोर्स होता है थर्ड प्रकार के लीवर में, तो यहाँ पे थर्ड प्रकार का लीवर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मिट्रल वाल्व हृदय के किस तरफ पाया जाता है तथा अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिट्रल वाल्व जो है हृदय के बाएं तरफ पाया जाता है, जिसे हम बाइक स्पीड वाल्व भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर घर राइट होगा, लेफ्ट साइड बाइक स्पीड वाल्व। यह बाएं अलिंद बाएं नीले के बीच जो दरवाजा होता है उसे मिट्रल वाल्व कहते हैं या बाइक स्पीड वाल्व कहते हैं, और दाएं अलिंद दाएं नीले के बीच जो दरवाजा होता है उसे कहते हैं ट्राइक स्पीड वाल्व। यानी कि हृदय में 4 वाल्व होते हैं, दरवाजे होते हैं। एक होता है आपका दाएं अलिंद दाएं नीले के बीच ट्राइक स्पीड वाल्व, दूसरा आपका होता है बाएं अलिंद बाएं नीले के बीच बाइक स्पीड या मिट्रल वाल्व, और दो आपका सेमी नीलर वाल्व होते हैं जो अर्धचंद्राकार होते हैं, जिसमें से एक होता है पल्मोनरी वाल्व, जिसके रास्ते दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है, और एक होता है एरोटिक वाल्व, जिससे बाएं नीले से शुद्ध रक्त एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में भेज दिया जाता है, और महाधमनी से समस्त शरीर को रक्त भेज दिया जाता है। नेक्स्ट, उस संधि का नाम बताइए जो अचल होने के बावजूद चल संधि के पास स्थित होता है। तो दोस्तों, यह इन्फीरियर टिबियो फिबुलर ज्वाइंट ऐसा होता है जो हमारे टखने के पास होता है, जो चल संधि के पास स्थित होते हुए भी अचल होता है। ठीक है, तो ये अचल संधि में आता है, याद रखिएगा। अचल संधि में हमारा ब्रेन आता है, दांतों का जोड़ आता है। नेक्स्ट है, सिटअप किस लीवर का उदाहरण है? तो दोस्तों, सिटअप करते समय आपका सीधा फोर्स आपके पेट पे पड़ता है, तो यह सिटअप जो है आपका थर्ड क्लास के लीवर के अंतर्गत आता है। सिटअप किस प्रकार के लीवर के अंतर्गत आता है? थर्ड क्लास के लीवर के अंतर्गत आता है। आप थर्ड क्लास के लीवर के अंतर्गत आता है सीटअप, हेमस्ट्रिंग कर्ल, घुटने का मुड़ना, हाथों को ऊपर को उठाना, थाई फ्लेक्शन एंड आर्म फ्लेक्शन। आर्म फ्लेक्शन तृतीय प्रकार के उत्तोलन में आता है एंड आर्म एक्सटेंशन जो होता है वो प्रथम प्रकार के उत्तोलन में आता है। नेक्स्ट दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होने जा रहा है? तो हो चुका है, क्वेश्चन पहले का है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है दोहा कतर में, 2022 कहाँ पे? दोहा कतर में हो रहा है। कहाँ पे? दोहा क्वार्टर दोहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वार्टर दोहा को क्वार्टर भी कहा जाता है, तो इसे दोहा कतर में हो रहा है।
हुआ है। तो 2022 का 22वां फीफा वर्ल्ड कप दोहा कतर में हुआ है और इसके विजेता हैं 2022 में अर्जेंटीना और उपविजेता फ्रांस है। दोस्तों जैसा कि फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुआ था 1930 हैमिल्टन कनाडा में एंड 2026 में 23वां फीफा वर्ल्ड कप होगा संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको कनाडा में। नेक्स्ट है सीकम किस तंत्र का भाग है। तो दोस्तों सीकम कोलन मलाशय एक सभी भाग है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत की। तो ये आपका किस सिस्टम का भाग है, तो यह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट दोस्तों लैम्बॉयड सूचर किन हड्डियों के मध्य पाया जाता है। तो यह अचल संधि का एग्जाम्पल है। तो लैम्बॉयड सूचर जो है किन हड्डियों के मध्य पाया जाता है। तो लैम्बॉयड सूचर जो है वह पेराइटल एंड ऑसिपिटल हड्डियों के मध्य पाया जाता है। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके लिए सजेक्टिव हैं और देखिएगा इन्हीं वीडियोज से आपका क्वेश्चन 100% आएगा। तो लैम्बॉयड सूचर जो है जैसे कि खोपड़ी की संधि को सूचर कहा जाता है यानी अचल संधि में आता है, जिसमें से सेजिटल सूचर जो पेराइटल हड्डी का जोड़ होता है सबसे बड़ा सूचर होता है। एक होता है क्रोनल सूचर जो फ्रंटल हड्डी का जोड़ होता है जहाँ से पेराइटल हड्डी से जुड़ा रहता है। एंड तीसरा होता है लैम्बॉयड सूचर जो पेराइटल एंड ऑसिपिटल हड्डी से जुड़ी रहती है। एंड और अचल संधि में सिंडोमोसिस आता है यानी कि एंटीरियर टिबिया फिब्युलर ज्वाइंट जो एंड होता है गोम्फोसिस जिसे पेग एंड सर्किट ज्वाइंट कहते हैं, दांतों का जोड़ भी अचल संधि में आता है। एक होता है सैक्रोइलियक ज्वाइंट जो सैक्रम हड्डी का बाहरी भाग इलियक हड्डी से जुड़ा रहता है, कुल्हे में स्थित होता है, वो भी आता है अचल संधि में। नेक्स्ट दोस्तों अचल संधि जो लंबे तंतुओं से जुड़ी रहती है उसे हम क्या कहते हैं। तो अचल संधि जो लंबे तंतु से जुड़ी रहती है उसको कहा जाता है सिंडेमोसिस। क्या बोला जाता है, सिंडेमोसिस जो एंटीरियर टिबिया फिब्युलर ज्वाइंट होती है। नेक्स्ट दोस्तों क्रॉस कंट्री नामक शब्द में कंट्री से क्या तात्पर्य है। तो क्रॉस कंट्री नामक शब्द से कंट्री से तात्पर्य है टेरेन यानी कि इसका मतलब होता है कि ऊबड़ खाबड़ जंगल झाड़ी वाला रास्ता, ऊबड़ खाबड़ जंगल झाड़ी वाला रास्ता। नेक्स्ट दोस्तों पूर्णिमा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो पूर्णिमा ट्रॉफी का संबंध है वॉलीबॉल से, किससे, वॉलीबॉल से। एक होता है आपका पद्मा ट्रॉफी वो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों एनबीए का फुल फॉर्म क्या है। एनबीए का फुल फॉर्म है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जो अमेरिका में है। नेक्स्ट है कृत्रिम रूप से मूत्र के रास्ते डोपिंग के एजेंट को बाहर निकालने को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है कैथेटराइजेशन। क्या कहा जाता है, कैथेटराइजेशन। इस विधि को करने से ये डोपिंग को छुपाने की विधि है जिससे डोपिंग टेस्ट में डोपिंग नहीं आता है, डोपिंग के प्रमाण नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कोलेस्ट्रॉल किससे मिलकर बनता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो फैट एंड प्रोटीन यानी कि आसन नंबर ग दोनों हो जाएगा, फैट एंड प्रोटीन दोनों से मिलकर, क ख दोनों राइट हैं, तो फैट एंड प्रोटीन से मिलकर कोलेस्ट्रॉल बनता है। नेक्स्ट है 400 मीटर रिले रेस में बेटन एक्सचेंजिंग जोन यानी कि बेटन टेक ओवर जोन कितना लंबा होता है। तो वह होता है 20 मीटर लंबा होता है बेटन एक्सचेंजिंग जोन। नेक्स्ट है एक्सपेरॉइड सिस्टम का संबंध किस खेल से है। तो एक्सपेरॉइड सिस्टम का संबंध है टेबल टेनिस खेल से।
नेक्स्ट है चेस यानी शतरंज के निर्णायक को क्या कहा जाता है, तो शतरंज के निर्णायक को आर्बिटर बोला जाता है। नेक्स्ट है किस ओलंपिक में डोपिंग पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगाया गया, तो दोस्तों डोपिंग पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगाया गया 1968 मैक्सिको ओलंपिक में। जैसे कि प्रथम बार डोप टेस्ट हुआ आपका 1968 मैक्सिको सिटी में, जहाँ पे स्वीडन के पेंटाथलेट गुनर लिलेंजेवाल पॉजिटिव पाए गए थे, वहीं पे उसको प्रतिबंध लगाया गया था। एंड प्रथम बार डोपिंग का केस मिला था 1960 रोम ओलंपिक में, जिसमें से डेनमार्क का एक रोड साइक्लिस्ट था जिसका नाम था न्यूड एडमार्क जॉनसन, जो स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद मृत पाया गया था और उसने रोनिकल और एम्फिटामाइन ले रखा था अधिक, जो जिससे सहनशीलता बढ़ती है। एंड दोस्तों डोपिंग के विरुद्ध पहले बार शपथ की शुरुआत कब हुआ था, तो 2000 के सिडनी ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में, जिसने रैचेल हॉके जो ऑस्ट्रेलिया की महिला हॉकी दल की कप्तान ने शपथ ली थी डोपिंग के विरुद्ध। नेक्स्ट दोस्तों कैपिटेट नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है कैपिटेट नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, तो यह रिस्ट यानी कलाई में पाई जाती है, जो 8 आपके टार्सस ज्वाइंट होते हैं तो यह रिस्ट यानी कलाई में पाई जाती है, जिसे कार्पस ज्वाइंट्स कहते हैं। इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं कलाई में, कार्पस में, तो ऊपरी पंक्ति में भीतर की ओर होती है स्केफायर ल्यूनेट टाइक्वेट्रल वीसी फॉर्म, निम्न पंक्ति में होती है ट्रेपेजियम ट्रेपिजाइट कैपिटेट हैमेट, ये सभी हैं आपके कलाई यानी कि रिस्ट की कार्पस हड्डियाँ। नेक्स्ट है पारंपरिक खेलों को किस तकनीकी नाम से जाना जाता है, तो पारंपरिक खेल को किस तकनीकी नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है इंडिगेनोस, ठीक है इंडिजेनोस इंडिजेनोस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कैलिस्थेनिक्स अभ्यास किसे कहा जाता है, तो कैलिस्थेनिक अभ्यास को फ्री हैंड एक्सरसाइज बोला जाता है, फ्री हैंड एक्सरसाइज बोला जाता है। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन यानी मसल्स प्रोटीन जो होता है, मायोग्लोबिन किस प्रकार के अभ्यासों में लाभदायक होता है, तो मायोग्लोबिन जो है वो ग्लाइकोजन को बांध के रखता है दोस्तों, यह एरोबिक प्रकार के खेलों में लाभदायक होता है, किसमें एरोबिक प्रकार के खेलों में यानी कि सहनशीलता वाले खेलों में लाभदायक होता है। नेक्स्ट जिस प्रकार सामान्य पाठ योजना में मनोरंजन खेल होते हैं, उसी प्रकार विशिष्ट पाठ योजना में क्या होता है, तो दोस्तों जिस प्रकार सामान्य पाठ जनरल लेसन प्लान में मनोरंजन खेल होता है, उसी प्रकार विशिष्ट पाठ योजना में आपका लीड ऑफ गेम होता है, क्या होता है लीड ऑफ गेम। नेक्स्ट जिस प्रकार क्रिकेट में विकेट कीपर होता है, उसी प्रकार बेसबॉल में क्या होता है, तो जिस प्रकार क्रिकेट में विकेट कीपर होता है, उसी प्रकार बेसबॉल में क्या होता है कैचर होता है। नेक्स्ट जिस प्रकार कबड्डी में रेडर होता है, उसी प्रकार खो खो में कौन होता है, तो खो खो में एक चेजर होता है, चेजर जो सभी को दौड़ाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है कि जिस प्रकार बैडमिंटन के लिए थॉमस कप होता है, उसी प्रकार टेबल टेनिस के लिए क्या होता है, तो स्वेथलिंग कप होता है, स्वेथलिंग कप बैडमिंटन के लिए थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है, उसी प्रकार टेबल टेनिस के लिए स्वेथलिंग कप पुरुष से संबंधित है। नेक्स्ट है जिस प्रकार फेफड़ों के लिए एल्वेलाई है, उसी प्रकार गुर्दों के लिए क्या है, तो जैसे जैसे दोस्तों फेफड़ा जो है गैसों का आदान प्रदान डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, उसमें सबसे छोटी इकाई होती है फेफड़े की, उसी प्रकार गुर्दे की सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन, इसमें रक्त का छाना जाता है, शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट जिस प्रकार टेनिस के लिए विंबलडन है, उसी प्रकार बैडमिंटन के लिए क्या है, तो बैडमिंटन के लिए है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। नेक्स्ट जिस प्रकार हृदय के लिए इंडोकार्डियम है, उसी प्रकार चमड़ी के लिए क्या है,
दोस्तों जिस प्रकार हृदय की सबसे अंदरूनी परत को एंडोमेट्रियम, हृदय की दीवारें तीन मांसपेशियों से मिलना होता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम, सबसे अंदरूनी परत को इंडोकार्डियम कहते हैं। उसी प्रकार चमड़ी के सबसे अंदरूनी परत को क्या कहते हैं, तो चमड़ी के सबसे अंदरूनी परत को कहते हैं हाइपोडर्मिस, सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस, उसके मध्य फिर अंदरूनी परत को डर्मिस, सबसे निचली परत को हाइपोडर्मिस कहा जाता है। त्वचा के नेक्स्ट है, जिस प्रकार गुर्दे के लिए नेफ्रोलॉजी है उसी प्रकार मस्तिष्क के लिए क्या है। दोस्तों जिस प्रकार गुर्दे यानी किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, उसी प्रकार मस्तिष्क के अध्ययन को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट है, जिस प्रकार हड्डियों के लिए फीमर है उसी प्रकार मांसपेशियों के लिए क्या है। तो जैसे जिस प्रकार हड्डियों के लिए फीमर यानी कि सब शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, उसी प्रकार सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है, सार्टोरियस। नेक्स्ट है दोस्तों, जिस प्रकार अमेरिका में टेनिस के लिए यूएस ओपन है उसी प्रकार फुटबॉल के लिए क्या है। तो फुटबॉल के लिए है कोपा कप, कौन से कप है, कोपा कप। नेक्स्ट दोस्तों, जिस प्रकार ओलंपिक के लिए पैनाथोनिक स्टेडियम है उसी प्रकार एशियन खेलों के लिए क्या है। तो एशियन खेलों के लिए है नेशनल स्टेडियम। तो दोस्तों आज के सेशन में ये थे 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे लेवल के थे। और दोस्तों इसी प्रकार आप प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।